स्वागत है साथियों एक और ब्लॉग में। आज है 2 अप्रैल 2023, दिन की शुरुआत चाय से करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। आज क्या क्या होने वाला है ये सब आप ब्लॉग में देखेंगे, पहले से बताने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखते रहो वीडियो को, लाइक कमेंट एंड शेयर करके अवश्य जाना। करते हैं स्टार्ट। क्या हो रहा है बेटा? आज खाने में सादा सिंपल घिया की सब्जी और सादा रोटी और अचार है बेटा। खाते मैं नहा धोया को फ्री गेटअप सादा सिंपल और अब निकलेंगे पहले दुकान की तरफ। कहीं थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान वगैरह ले लूँगा क्योंकि 4 तारीख को है बेटी को बर्थडे। 3 तारीख को तुम आप लोग देख रहे हो तो 4 तारीख यानी 4 अप्रैल को तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जैसे भी होगा गरीबों का केक कैसे कटेगा देखना अगले ब्लॉग में। चल दिए हम जयपुर को, तो जयपुर को चल दिए। कहाँ हम दो जने चल दिए। अब तो सामने वाले कैमरा तो फोटो अच्छा आ रहा है भाई साहब, दाढ़ी बनवा के आओ नहीं अच्छा लग रहा है, फिल्टर ना लगा रहा है, टेंशन नहीं। अब काई को जा रहे काई को ना जा रहे ये चीज़ आपको ब्लॉग में देखते रहो। जब वे सवारी तब पहुंच गया भरतपुर जंक्शन है ना, वो हमें सतीश भैया लेके आओ। अचानक मिल गए सतीश भैया, हमें कौन लेके भैया ना हमारे लेकर तो आने पड़ेंगे भैया, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। सही बात है बड़े भैया रेलवे स्टेशन पाएंगे। अब भरतपुर जंक्शन पहुंच गए, बोले यहाँ ट्रेन आवे वाली है तो जाएंगे भीतर और फिर पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे फिर दिखाएंगे तुम्हारे कहाँ जाएगा कि जर्नी। चलो ट्रेन लेट है और हम उतर गए यहाँ जयपुर जंक्शन 7:10 पर फिर बहुत सारी गाड़ी लगी पड़ी है निकले। अब यहाँ तक सीधे चलेंगे पंडित जी का चौराहे और पंडित जी का चौराहे से निकलेंगे सीधे जाट चौराहे। और गाड़ी इनकी बात चल रही है, ये अंकल जी पुष्पेंद्र जी करता है, ये साढ़ू साहब हमारे, और बैठे हुए हैं यहाँ आराम से बाहर से। यहाँ आए हुए हैं तो इन्होंने वो बांध रखी है तो अब इनके जो सर पे जैसे कह देते हैं ना वो बोझ, इनके पिताजी हैं वो नहीं रहे। आज कितना है साहब, 8 या 9? 8 दिन सर पे बोझ आ गया है। अच्छा हाँ संडे को ही गए, सही है। नहीं बहुत अच्छे और हरी भरी बगिया छोड़ के गए, वो हमारी भाषा में जैसे कह देते हैं, और बढ़िया हंसता खेलता परिवार ये तो, यानी इनके दादाजी इनके, इन्होंने भी हाँ। चलो यहाँ बैठने आए थे, यहाँ से मिलते हैं इनके, घूम लिए, चांद भी निकल रहा है, रात को 10 बज गए। अब हम सोने की तैयारी करते हैं, बेड पे आ गए नॉर्मल में आ गए। इनको एक समस्या और हो गई थी बीच में, स्टन वगैरह डाले 2 होली के दिन, अभी स्वास्थ्य इनका डाउन है, पर खून को पतला करने लगे है सर। देखा दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट क्या वो भी जयपुर से ही शुरू होगा और गाँव में जाके पूरा होगा वो ब्लॉग नेक्स्ट जो आएगा। तो इस पर प्यार देना, राधे राधे श्री राधे।